सो हे प्रेम आर्मी, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आ चुके एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ तो वापस। और भाई आज की ये वीडियो और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि यार आज हम लोग करने वाले हैं पेन ओनली चैलेंज। जी गाइस, हम केवल तावे से मारेंगे, मतलब तावे से सारे बंदों को मारेंगे। अब देखो यार, उतरते ही मेरे को सामने तावा मिल चुका था और सामने की तरफ एक बंदा उतरा था। मैं डायरेक्ट यहाँ पर रश किया इसके पास और यहाँ पे एक वेस्ट पड़ा हुआ था, मैंने वेस्ट उठाया, लेवल 1 का वेस्ट पड़ा। और ये देखो ये बंदा दिखता है, अब देखना इसको कैसे मारेंगे। और भाई स्टार्टिंग में इसकी पेटी बना देता हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पे इसकी पेटी से थोड़ा बहुत सामान उठा लेता हूँ। सामने हेल्थ किट पड़ा हुआ था, ये भी उठा लिया। अब गलती से गन उठा लिया था, गन मैंने ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे एक और बंदा था, अब देखो इसको कैसे निपटाता हूँ मैं। और यार फाइनली इस बंदे की पेटी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। फिलहाल इसकी पेटी से मेरे को लेवल 3 का हेलमेट मिलता है, उठा लेता हूँ मैं। यहाँ पे जल्दी से मैं हील लगाया। अब देखो यार यहाँ पे कोई भी बचा हुआ नहीं था, मैंने सोचा कि जल्दी से यहाँ पे हील करेंगे और यहाँ से बोट लेके आगे की तरफ निकल लेंगे। तो यहाँ से जो कुछ मिला मैंने उठा लिया। वैसे मेरे को बस हीलिंग की ज़रूरत थी और कुछ चाहिए नहीं था, क्योंकि गन तो चलाऊंगा नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी से हीलिंग वीलिंग उठाया और बस बोट लेके इधर आगे की तरफ आया। तभी देखना यार यहाँ पे उतरते ही भाई एक बंदा मेरे ऊपर फायर लेता है और काफ़ी दूर से मारने जा रहा था। अब यहाँ पे इस घर के अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे को हेल्थ किट की ज़रूरत थी और भाई यहाँ पे था भी नहीं। फिलहाल सामने की तरफ एक ग्रेनेड पड़ा हुआ था तो उठा लिया, क्योंकि अब इस मैच में यार मैं ग्रेनेड से भी किल कर सकता हूँ। अब देखो यार यहाँ पे मैं गाड़ी लेके आगे की तरफ जा रहा था और सामने की तरफ ड्रॉप गिरा हुआ था और ये भाई सब जा रहे थे सामने से, और एक बंदा ड्रॉप लूट के भागने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर ये दोनों लड़ने ही लगे आपस में। मैंने सोचा कि यहाँ पर मेरे को मौका मिलेगा तो यहाँ पर मैं भी थर्ड पार्टी करूँगा। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी रोक दिया और मुझे लगा कि ये लोग रुकेंगे और फाइट लेंगे, तो यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी करूँगा। बट देखना यहाँ पे ये दोनों जाते हैं और भाई आपस में लड़ भी जाते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड उठाया और भाई कुक किया और यहाँ पे फेंकता हूँ। अब देखना, अब इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज हुआ था, लेकिन अब देखो भाई डायरेक्ट इस बंदे के मुंह पे जाता हूँ और इसकी पेटी बना देता हूँ। अब देखो इस बंदे के पास S12 के था, मुझे लगा कि मैं पेटी ये बना देगा, लेकिन बच जाता हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पे जल्दी से स्मोक उठा लेता हूँ और ग्रेनेड उठा लेता हूँ, क्योंकि काम आने वाला है। अब देखो यार सामने से वो बंदा आता है जो कि यहाँ से ड्रॉप लूट के भागा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा चकमा देते हैं। और मैंने इसके मतलब इससे टीम अप करने की कोशिश किया और भाई देखना सक्सेस भी हो जाता हूँ। और ये बंदा यार मेरे से टीम अप कर भी लेता है, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मैं इसको धोखा देने वाला हूँ। और भाई देखना बहुत गंदा धोखा देने वाला हूँ। पहले तो इसको पास बुलाया, अब देखो यहाँ पे इसको मारा, लेकिन ये आगे की तरफ भग गया। मैंने सोचा चलो यहाँ पीछे पीछे चलते हैं और इधर ला के कहीं मारेंगे। फिर यहाँ मैंने सोचा चलो यहाँ पे अच्छा मौका है, एक दो पेन मार देते हैं। अब देखो यार इसको एक पेन मार दिया था और ये भागने लगा। भाई ये मारने के सिवा मुझे छोड़ के भागने लगा। अब ये सामने वाले बिल्डिंग पे जाके हील करने लगा। मैंने यहाँ पे एक नेड निकाला और भाई देखना ये वाली नेड, और भाई बंदे की पेटी बन जाती है यहाँ पे। अब इसके लिए यार थोड़ा सा हंसना ज़रूरी था, क्योंकि यार इसको मैंने धोखे से मारा, तो इसके लिए सॉरी, बट मज़ा आया। फिलहाल यहाँ से मैंने इसकी पेटी से थोड़ा बहुत हीलिंग वीलिंग उठाया और जल्दी से हीलिंग उठा के यहाँ से गाड़ी लेके मैं फिर से निकल दिया आगे की तरफ। अब जाहिर रहा था कि भाई ये भाई साहब आते हैं और ये भाई साहब कुछ ज़्यादा ही चौड़ में आ रहे थे। अब देखना अब यहाँ पे इस बंदे को यार कुछ ज़्यादा ही इजीली मार देता हूँ मैं। फिलहाल यहाँ से गाड़ी लेके मैं आगे की तरफ जा रहा था, यहाँ पे एक बंदा था जो काफ़ी देर से फायरिंग करे जा रहा था लेट के। अब देखो भाई इस बंदे को कैसे निपटाता हूँ, मतलब भाई इस बंदे को कोई टेंशन ही नहीं है, पीछे से कोई मार के चले जाए इसको कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके इस बंदे के लिए भी थोड़ा बहुत हंस लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए भी थोड़ा सा हंस लिया और बस अब यहाँ से इसकी पेटी लूटा और गाड़ी लेके मैं आगे की तरफ निकल दिया, क्योंकि जोन अभी छोटा हो चुका था और बंदे बहुत कम बचे हुए थे। अब देखो यहाँ पे 2 फुट से मारा था, यहाँ पर मैंने गाड़ी रोका और यहाँ पर लगा कि भाई यहाँ पे कोई बंदा है, तो मैं यहाँ पर गाड़ी रोका और यहाँ पर एक बंदा दिखता है मुझे। और भाई इस बंदे की हरकत देखना, मतलब यार पूरे का पूरा फनी मोमेंट था। अब देखो यार बंदा वहां पे जाके कैंपिंग कर रहा था और मैं यहाँ पे डायरेक्ट रश करता हूँ।
और भाई बंदे की पेटी बना देता हूँ। अब जैसे इस बंदे को मैं मारता हूँ, तभी सामने वाला बंदा यार एकदम अचानक से जंप करके मेरे ऊपर आ जाता है रश करने के लिए। मैं यहाँ से पीछे की तरफ जंप किया और भाई यहाँ से मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि उस बंदे के पास S12K था, क्योंकि वो सब चला रहा था ना तो मुझे साउंड आ रहा था, और भाई S12K के सामने मैं नहीं टिक सकता, तो इसलिए मैं गाड़ी लिया और भाई मैं घुमाने लगा। मुझे लगा कि अभी जोन और छोटा होगा और मैं लास्ट जोन में गाड़ी से मैं निपटा दूंगा, इसलिए मैं गाड़ी लेके आगे की तरफ निकल लिया। अब देखो एक और बंदा बचा हुआ था, एक बंदा तो पता था कि ऊपर वाले बिल्डिंग पे था, और एक बंदा यार पता नहीं कहाँ पे था, वो बंदा मेरे को दिखता है लास्ट में। अब ये देखो, अब यहाँ पर मैंने गाड़ी रोका और भाई ये बंदे ने यार क्या ही RPG मारा, मतलब पेटी बन जाती है हमारी। फिलहाल वो वाली गेम प्ले वहीं पे ख़त्म हो जाती है और मैं एक बार में वो चैलेंज नहीं कर पाता हूँ। फिर से मैं एक और मैच लगा लेता हूँ इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये जो चैलेंज है ना इसको पूरा मेरे को कंप्लीट करना था, और यहाँ पे मेरे को चिकन डिनर भी निकालना था। फिलहाल इस बार मैं उतरा था ओल्ड बेसन पे, और भाई यहाँ पे ना कोई भी नहीं आता है। यहाँ पे मैं जल्दी से लूट किया एंड यहाँ पे बहुत ढूंढा लेकिन पेन नहीं मिला, बट यहाँ पे मेरे को ना क्रोबार मिल गया था, तो यहाँ पे मैं क्रोबार लेके घूमे जा रहा था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सामने की तरफ एक हेल्थ किट था, मैंने सोचा चलो हेल्थ किट उठा लेते हैं, क्या पता काम आएगा, लेकिन जैसे हेल्थ किट उठाने गया भाई बोट भैया आ जाते हैं, तो अब देखना यार बोट भैया को कैसे निपटाएंगे। तो यार यहाँ पे मैं बोट भैया को निपटाता हूँ एंड निपटाने के बाद से इनकी हेल्थ वेल्थ, मतलब इनकी पेटी से सामान वामान उठाया और यहाँ से गाड़ी लेके बस आगे तरफ जा रहा था। यहाँ पे एक बंदा था और सामने की तरफ एक बंदा फायरिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यार ये सामने वाले बंदे को मारते हैं, और ये गाड़ी वाला बंदा तो रुकेगा नहीं क्योंकि वो भागे जा रहा था। फिलहाल मैं सामने वाले बंदे के ऊपर रश किया और भाई देखना इस बंदे को कैसे निपटाऊंगा। मतलब ये भाई साहब करना क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। फिलहाल यार यहाँ पे इनकी पेटी उटी लूटा मैं, और यहाँ से मैं गाड़ी लेके फिर से आगे की तरफ जा रहा था, और यहाँ से मैंने सोचा कि चलो यार बग्गी था तो यहाँ पे मैं गाड़ी चेंज किया और बस आगे की तरफ जा ही रहा था कि भाई ये भाई साहब निकलते हैं। मतलब ये भाई साहब बहुत ही अच्छे खासे लूट गूट के बैठे हुए थे। अब देखना है इनकी तो पेटी बहुत ही गलत ही निपटाने वाले हम। यहाँ पे मैंने नेट कुक किया और भाई देखना ये वाली ग्रेनेड, और ये बंदे को यार कुछ ज़्यादा ही गलत मार देता हूँ मैं। यहाँ पे TPP ले रहा था और बस पेटी बना देता हूँ। अब इस बंदे के पास बहुत अच्छा खासा लूट था, यहाँ तक कि फ्लेयर गन भी था। अब फिलहाल यहाँ पे मैं आगे की तरफ आया उनको लूट के, तभी एक और बंदा दिखता है। मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे ये बंदा बाहर की तरफ आएगा, मैंने एक नेड कुक किया और भाई देखो बाहर की तरफ आता है ये। यहाँ पे नेड मारा, ये बंदा थोड़ा सा डैमेज हुआ। अब देखना यार डायरेक्ट रश करता हूँ, और भाई बंदे की पेटी बना देता हूँ। अब इसको मारने के बाद से मैं यहाँ पे आके हील कर रहा था, तभी यार पीछे से एक बंदा यार गलत ही फायरिंग देता है मुझे। अब जैसे तैसे यहाँ पे अंदर की तरफ आके मैं बच गया था, ये बंदा यार फायरिंग करे जा रहा था। अब यहाँ पे ये बंदा फायरिंग करके आगे की तरफ रोटेशन दे के पूरा रेड वाले बिल्डिंग पे चला आया था और ऊपर की तरफ स्मोक किया था ये बंदा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रश करता हूँ। अब देखना यहाँ पे जैसे मैं ऊपर की तरफ आया, ये बंदा नीचे की तरफ जंप कर जाता है, फिर ऊपर की तरफ आता है और मैं यहाँ से ऊपर चला आता हूँ। अब देखो यार वो ऊपर आके TPP ले रहा था और यहाँ पर मैं डायरेक्ट रश करता हूँ, और भाई देखो और जैसे तैसे इस बंदे की भी पेटी यहाँ पे बना देता हूँ मैं। अब इसकी पेटी से मेरे को काफ़ी अच्छी खासी लूट भी मिल जाता है। अब यहाँ से मैंने सोचा कि चलो यहाँ से लूट करेंगे और यहाँ से बगी उठा के मैं सीधा निकल लूँगा बंदे ढूंढने के लिए। तो यहाँ से मैं सामने से बगी उठाया, अब ऊपर की तरफ रेड जोन भी था तो काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन यहाँ से मैंने बगी उठाया और सीधा निकल लिया आगे की तरफ। अब आगे की तरफ मैं जा रहा था और सामने की तरफ एक बंदा मेरे को दिखता है जो कि आराम से लूटे जा रहा था, और भाई उस बंदे को देखो, मतलब उस बंदे के ऊपर मैं गाड़ी चढ़ाया लेकिन वो मरा क्यों नहीं, ये मैं सोच में पड़ गया कि उस बंदे के ऊपर से गाड़ी गया लेकिन वो मरा क्यों नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो यार नहीं मरा तो फिर यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं और यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन यार यहाँ पे एक बंदा पहले से था। अब देखो जैसे मैं आया, ये बंदा यार ग्रोजा लेके मेरे ऊपर रस करता है और भाई बहुत गलत डैमेज दे देता है। अब मैं ऊपर की तरफ हीलिंग लगाते हुए आया और ये बंदा उस बंदे को फिनिश करने लगता है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी था। अब देखो उस बंदे को मार भी देता है ये बंदा और डायरेक्ट मेरे ऊपर रस करता है। मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे एक नेड करते हैं और आएगा तो फूट जाएगा ये बंदा। मैं यहाँ पे जंप किया नीचे की तरफ और देखो अब उस बंदे को यार कुछ भी नहीं होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब रश करता हूँ और भाई देखना भ
भाई जैसे तैसे इस बंदे को मैं मारता हूँ। एकदम से डर लग रहा था कि भाई अब तुम्हारा पेटी बनना तो तय है, क्योंकि ये बंदा यार कुछ ज़्यादा ही हेल्थ लो कर दिया था मेरा। अब देखो चार बंदे बचे हुए थे, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, एक बंदा गाड़ी घुमाया जा रहा था, और जैसे मैं आगे उस बंदे को देखने के लिए आगे की तरफ गया, तब यार यहाँ पे एक बंदा दिखता है जो कि यार एकदम ओपन से आया जा रहा था। और इस बंदे को देखना यार, मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा था ये बंदा, खुद ही देखो यार। ये आया, अब देखो और भाई जैसे तैसे इस बंदे को भी यहाँ पे निपटा देता हूँ मैं। एंड जैसे इसको निपटाता हूँ, सामने वाला बगी वाला बंदा सामने जाके रुक जाता है, और ये बंदा यार मेरे ऊपर रस करता है डायरेक्ट, क्योंकि इसको पता था कि मैं थोड़ा सा हेल्थ लो होगा मेरा, और ये बंदा मेरे इसी का वेट कर रहा था। मैंने यहाँ पे जल्दी से नेड कुक किया, ये बंदा ऊपर की तरफ था, और भाई ये वाली नेड देखना, जैसे ही नेट फूटता है भाई, एक बंदा यार मेरे को कार रेंटेड चिपका देता है। मेरा यहाँ पे वेस्ट ख़त्म हो गया था। अब ये बंदा, इस बंदे को तो मैंने मार दिया था, लेकिन वो सामने से मेरे को कार रेंटेड चिपका देता है। वो बंदा मेरे को दिख गया था, पेड़ के पास बंदा था। यहाँ पे मैंने सोचा कि जल्दी से वेस्ट उठाते हैं और हीलिंग उठाते हैं और बस आगे की तरफ निकल लेते हैं। अब वही एक लास्ट बंदा बचा हुआ था, मैंने सोचा कि जल्दी से यहाँ से बगी उठाएंगे और भाई उस बंदे के रस कर देंगे, क्योंकि जोन थोड़ा सा आगे बना था। मैंने यहाँ पे एक स्मोक किया, और स्मोक करने के बाद से बगी उठाया और बस निकल लिया आगे की तरफ। अब यहाँ से मैंने बगी उठाया और वो बंदा यार सामने की तरफ मेरे को दिखा था, लेकिन यहाँ पे वो बंदा दिख जाता है और भाई उसके ऊपर मैं गाड़ी चढ़ा देता हूँ, और भाई ये विनर विनर चिकन डिनर हो जाता है। सो आई होप कि आज की ये वाली गेम प्ले आपको पसंद आई होगी और ये वाली चैलेंज आपको पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही गेम प्ले वीडियो हर रोज अपलोड करते रहता हूँ। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।